नमस्कार ऑल लीडर्स, प्रदल सर ने जरा एक मैसेज कन्वे किया है तुहानू सब नू कि ग्रुप दे विच बहुत ज़्यादा गलत मैसेज आ रहे हैं, बिल्कुल फेक इनफॉर्मेशन पाइया जा रही ग्रुप दे विच। सो एक बड़ा ऑथेंटिकेटेड मैसेज तुहानू फॉरवर्ड किया जा रहा है, प्लीज़ इस मैसेज का भी मिसयूज ना करना और कोशिश करना कि जो चीज़ें हिदायत की गई तुहानू सर ने जो चीज़ें हिदायत की उन्होंने उत्ते कंप्लीट चलना। हर कोई जानना चाहता कि फ्यूचर मेकर की लेटेस्ट कार्रवाई की है या लेटेस्ट इनफॉर्मेशन की है, जिन्या डेट तो मॉर्निंग तो लैके या कल परसों तो जिन्या अज तक खबर ढड़को ने सब गलत ने, सब झूठ ने, सब फेक ने। कुछ एक पॉइंट, कुछ एक चीज़ा मैं डिस्कस कर जा रहा, बिल्कुल क्लीयरली क्लीयरिटी तौर के उत्ते उन्होंने अंडरसटैंड करना और उस तो बाद अपनी टीम को भी उस तरीके गाइड करना। सो सबना पहली गल यह है कि फ्यूचर मेकर लाइफ केयर प्राइवेट लिमिटेड ने किसी के उत्ते भी कोई फ्रॉड का कोई केस नहीं है। बहुत सारे लोग एक मिसलीड न्यूज़ फैला रहे हैं, कोई 30 लाख का ऐसा गबनसी या कोई बाकी कंपनियां ने मिलकर कुछ किया, ऐसा कुछ नहीं है। कोई एक तेलंगाना तो कंप्लेटेंट है जड़ा कि कंपनी के नाल एसोशिएट भी नहीं है, ठीक है, जावेद नाम है ओरा, और ऐसा है कि वो एक डमी कंप्लेटेंट खड़ा किया गया है, ऐसा भी है, और ऑब्जेक्शन दे करके भी खड़ा किया गया है क्योंकि वो पैसा मांगता है और जो उन्होंने पैसा नहीं मिला किसी को उन्हें डिमांड किया उन्हें कंप्लेंट कर दी थी। सो सबना पहली गल तो यह है कि कंप्लेंट करने वाला फ्यूचर मेकर लाइफ केयर के नाल एसोशिएट ही नहीं है, पहली गल। दूजी गल, असी जिन्ने लोग भी फ्यूचर मेकर नाल जुड़े हैं एज पर द तेलंगाना पुलिस का जो रिकॉर्ड है, जो जो जिन्हों असी कहने जो उन्होंने FIR दर्ज किया है, उन्हें मुताबक फ्यूचर मेकर के नाल 25 लाख लोग जुड़े हैं। सो इन 25 लाख लोगों के विचों एक भी परसन ऐसा नहीं है जिन्हें फ्यूचर मेकर के खिलाफ कंप्लेंट की है। सो मेरी गल ध्यान सुनो, 25 लाख जो बंदा जुड़िया का है एज पर द तेलंगाना पुलिस, साडा सीधा सीधा सवाल है पुलिस डिपार्टमेंट को कि 25 लाख तो विचों किसी ने कंप्लेंट किया? सो 25 लाख बंदा जरा जिन्हों इना रोजगार मिलिया था, जिन्होंने इना इंप्लॉयमेंट मिलिया था, कि उन्होंने कोई कंप्लेंट करने वाला हैगा? और असी इस पली के उत्ते ही बहुत स्ट्रोंग हाँ कि साडा किसी भी कंपनी के जिन्हें भी एसोशिएट्स ने, जिन्हें भी लोग कंपनी के नाल तन मन नाल अपना काम करते हैं, उन्होंने किसी ने भी इस दे रिगार्डिंग कोई कंप्लेंट नहीं की है। तीसरे नंबर पर केस रजिस्टर्ड किया गया एज अ चिट फंड कंपनी, एज अ मनी सर्कुलेशन कंपनी। सो एज पर द चिट फंड एक्ट, चिट फंड एक्ट के अकॉर्डिंगली हर वो कंपनी जड़ी के प्रोडक्ट ना तो मैनुफैक्चर करती है ना ट्रेड करती है, सिर्फ जनता को पैसा लेती है, वो चिट फंड एक्ट के अंदर आती है। सो असी ट्रेडिंग भी करते हैं और असी मैनुफैक्चरिंग भी करते हैं, सो इस करके असी मनी सर्कुलेशन और चिट फंड दायरे तो भी बिल्कुल बाहर हो जाते हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, चौथी इंपॉर्टेंट चीज़ जी साडे केस दे विच बड़ी बड़ी ही सॉलिड है, वह चीज़ यह है कि तेलंगाना पुलिस ने जड़ा केस रजिस्टर्ड किया है वह फ्यूचर मेकर लाइफ केयर ग्लोबल मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से किया है, जड़ी कि कोई कंपनी ही नहीं है ऑन द रिकॉर्ड। मैं फिर रिपीट कर रहा, तेलंगाना पुलिस ने केस रजिस्टर्ड किया है फ्यूचर मेकर लाइफ केयर ग्लोबल मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड, जड़ी कि कोई कंपनी नहीं है, और केस जड़ा कंपनी जिन्हों सील किया गया वह है फ्यूचर मेकर लाइफ केयर प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है जी। सो इस चीज़ को ध्यान रखना, फ्यूचर मेकर लाइफ केयर प्राइवेट ग्लोबल मार्केटिंग कोई कंपनी नहीं है, और लेकिन दफ्तर सील कर दिया गया फ्यूचर मेकर लाइफ केयर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का। मीन के कंप्लेंटेंट नू ए भी नहीं पता है कि मैं कंप्लेंट किसी कंपनी के अगेंस्ट करनी है और किस कंपनी के CEO नू उन्होंने मतलब यदि कार्रवाई वास्ते अपने नाल डिटेन किया है और किन चीज़ों वास्ते ये सारिया चीज़ा की जा रही। पुलिस डिपार्टमेंट की एक एड्डी वड्डी नैजलीजेंसी है जिन्हों असी कह सकते हैं कि इन्ना नैगलीजेंस डिपार्टमेंट जिन्होंने बिना किसी सोच तो बिना किसी विचार तो जस्ट एक डमी ऑब्जेक्शन वास्ते खड़ा किया गया एक कंप्लेटेंट और कंप्लेट के उत्ते एक्ट करदे हुए वर्कआउट किया है। और सानू ये पूरी उम्मीद नहीं है, सानू पूरा विश्वास है कि मोदी गवर्नमेंट, मिस्टर जेटली और होर भी जड़े सेंटर जे गवर्नमेंट ने जां होर भी जड़ियां जड़ी तेलंगाना गवर्नमेंट है वो भी साढ़े नाल है, वो साढ़े साडा साथ देगी। क्यों? क्योंकि बहुत अच्छे तरीके ना जानते हैं कि फ्यूचर मेकर लाइफ केयर प्राइवेट लिमिटेड ने कम से कम 40 से 50 लाख लोगों को रोजगार दिता है, रोजगार देने मदद की है, और कोई भी सरकार ये नहीं चाहती कि 40 से 50 लाख लोगों का रोजगार कट्टिया जाए और उन्होंने घर के चुल्हे बंद हो। सो इस करके पुलिस डिपार्टमेंट की एक नॉनसेंस कार्रवाई के उत्ते यह सारी कार्रवाई की गई है। सो असी सारे ने इत्थे एकजुटता दिखानी है, कोई फेक मैसेज नहीं पाना है सर, ये चीज़ां साढ़े केस नू बहुत ज़्यादा वीक करनगियां। असी अगर गल करनी है तो यह गल करनी है कि असी कोई फ्यूचर मेकर कोई इन्वेस्टमेंट कंपनी नहीं है, फ्यूचर मेकर एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है और उरे प्रोडक्ट दियां हज़ारां टेस्टीमनीज मार्केट च ने, जिन्हां लोगों फ्यूचर मेकर के प्रोडक्ट्स के नाल आराम मिले बहुत ज़्यादा लोग इस वेले साढ़े नाल ने।
सो ये सारियां चीज़ां जड़ियां ने, इन्हां चीज़ां नूं तुसीं गौर करना है। मैं फिर पांच पॉइंट फ्लैश आउट कर रहा। पहली गल, असी कोई इन्वेस्टमेंट कंपनी नहीं है, असी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी हाँ। दूसरी गल, असी कोई किसी दे नाल फ्रॉड नहीं किया, किसी की कोई कंप्लेट नहीं है, किसी एग्जीक्यूटिव की साड़ी कंप्लेट नहीं है। एक डमी परसन जिहड़ा कि फ्यूचर मेकर दे नाल एसोशिएट भी नहीं है, ओरी कंप्लेट है, और ओरी कंप्लेट के उत्ते पुलिस ने कार्रवाई की बिना जानते हुए कि किसी कंपनी के उत्ते कंप्लेट है, और उन्होंने अपनी FIR ते नाम भी गलत दिता। और तीसरे नंबर के उत्ते असी कोई चिट फंड एक्ट के अंदर नहीं आते, क्योंकि असी ट्रेडिंग भी करते हैं, असी मैनुफैक्चरिंग भी करते हैं। सो तेलंगाना पुलिस किस एक्ट के उत्ते चलती है, इन्होंने वास्ते कोई शायद नया कानून है इंडिया का, शायद और उत्ते वर्क करते हैं, सो दैट इज़ अ सैपरेट इशू। बट सानू पूरा यकीन है कि गवर्नमेंट साडे नाल होएगी, क्यों? क्योंकि असी बहुत अच्छा इंप्लायमेंट लोगों को दिता है, और पूरा यकीन है कि बहुत जल्दी यह मैटर जरा सॉर्ट आउट हो जाएगा। इस तो इलावा कोई भी खबर गलत ना पोस्ट करो, इट इज़ अ 100% इट इज़ द अगेन एंड अगेन रिक्वेस्टेड टू ऑल ऑफ यू, नहीं तो साड़ा केस वीक होएगा। अपने तरीके दे नाल इन्हां चीज़ां नूं तुसीं मॉडिफाई करके करो, और इस तो इलावा कोई होर पंजवीं गल सतवीं गल तुसीं पंजवीं छेवीं गल कोई नहीं करनी। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट टू ऑल। प्रिय साथियों नमस्कार, मैं SS धाकड़ फ्यूचर मेकर सिस्टम शिवपुरी से, और मेरे सभी प्यारे टीम लीडर्स हो, सभी अपना सभी मेरे प्यारे प्यारे चाहते लीडर्स हो, मैं आप सभी को बस ये बताना चाहता हूँ कि आज बहुत सारे लोगों का फोन आ रहा है कि सर आज क्या हुआ, आज क्या हुआ, और आज की बहुत सारे लोगों को आज पर एक आस टिकी थी कि आज कुछ बहुत अच्छा डिसीजन आने वाला है। मैं अभी तक आपको बता दूं कि अभी आज पूरा भारत बंद था पेट्रोल, और इसके विरोध में कांग्रेस ही लोगों ने भारत बंद किया है, और इस चक्कर में कोर्ट आज लेट निकला था, और कोर्ट का तकरीबन 1:10 पर सेशन स्टार्ट हुआ, और सेशन चला सामने एक तरफ फ्यूचर मेकर के CMD सर, पूरे कंपनी की तरफ से आए हुए तकरीबन 150 से 200 के आसपास जो एडवोकेट थे, कुछ मैन एडवोकेट अंदर थे, बहुत सारे एडवोकेट बाहर थे, और विपक्ष में जो व्यक्ति के साथ फ्रॉड हुआ है वो भी व्यक्ति था, और जिसने किया है वो भी व्यक्ति आज कोर्ट में है। दोस्तों ये सब सेशन चला, मजिस्ट्रेट साहब सामने थे, ये सारी चीजें कार्रवाई चली, पहले पुलिस ने कल वेरिफिकेशन किया था, सारी चीजें लीगल पाई गई, कहीं से कहीं तक कंपनी का और कंपनी के मालिक की तरफ से 1% कोई फाइंड नहीं हुआ है, ये मैं आपको स्पष्ट बता देता हूं। अभी अभी ठीक 10 मिनट पहले मिस्टर जस्सी सर से मेरी बातचीत हुई है, और उन्होंने स्पष्ट बताया है, सारी चीजों को क्लियर किया है। तो दोस्तों आज का जो सेशन चला उसमें कोर्ट के भी मजिस्ट्रेट साहब थे, कोर्ट के भी द्वारा एडवोकेट थे, हर चीज को एक एक चीज को देखा गया, परखा गया, डॉक्यूमेंट्स देके सारी चीजों को देखा। आज कोर्ट के द्वारा भी कंपनी के डॉक्यूमेंट्स में कहीं से कहीं तक कोई कमी नहीं आई है, ये आपके लिए भी मेरे लिए पूरे फ्यूचर मेकर इंडस्ट्री के लिए सबसे बड़ी खुशी की बात है। बस दोस्तों मैं ये कहना चाहूंगा कि आप सभी लीडर्सों को पता होगा सेम टू सेम एजेटिक केस आज से तकरीबन 7 महीने पहले भीलवाड़ा में हुआ था, इसी पैसे का कोई लपड़ा था, वहां पर भी ऐसा हुआ और कोर्ट तक वहां पर भी केस गया और फाइनल कोर्ट में केस चला। देखिए दोस्तों सत्यता को प्रूफ करने में प्रोसेस से गुजरना ही पड़ता है, समय लगता भी है, और जो भीलवाड़ा का केस चला उसमें वक्त लगा, तकरीबन 3 से 4 दिन का वक्त लगा, वहां पर अभी जस्टिस सर बता रहे थे 5वें दिन डिसीजन आया, 5 दिन तक इस देश के अंदर लोगों ने विश्वास रखा, कंपनी के मालिक पर कंपनी के प्रति विश्वास रखा, अपने आप को कंट्रोल करके रखा, और दोस्तों 5वें दिन फाइनली जब कोर्ट का डिसीजन आया था भीलवाड़ा से, उस समय हमारी फ्यूचर मेकर की जीत हुई थी, और उस दिन से लेकर के दोस्तों कितनी बड़ी क्रांति देश में आई, आज फिर से वही समय आज गुजर रहा है, उसी प्रोसेस से हम लोग आज फिर से गुजर रहे हैं। और दोस्तों इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात कि आज का जो इतना समय लगा है वो क्यों, मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं, कंपनी ने 3 चीजों को और साथ में किया है कंपनी के मालिक साहब ने, कि पहली चीज तो भीलवाड़ा में केस हुआ, दोबारा से केस हुआ, मैटर कोई बहुत बड़ा नहीं है, किसी बीच वाले व्यक्ति ने पैसे का मैटर किया और इसके चक्कर में पूरी कंपनी पर इतनी बड़ी आंच आई है, पूरे डायरेक्टर MD CMD देश भर के लीडर्स लोग परेशान है, इसमें परेशानी की कोई बात है भी नहीं इतनी, क्यों? क्योंकि दोस्तों बिलीव करिए कंपनी के CMD सर ने ये बोला है, कंपनी को स्पष्ट कोर्ट को ये स्पष्ट बोला है कि आप सर क्या चेक करना है,
एक दिन, दो दिन, तीन दिन, कितने दिन का वक्त लगे, हम सारी चीजों को चेक करवाने के लिए तैयार हैं। पर आज के बाद जीवन भर कभी भी फ्यूचर मेकर पर ऐसा कोई केस दर्ज बगैर जानकारी लिए, बगैर जांच किए हुए कोई केस नहीं होना चाहिए। ये पूरा कोर्ट को दिया है लिख करके, आज कोर्ट उस पर भी ठप्पा लगा के देने वाला है। दूसरी चीज एक और किया है कि हमारे जो ऐसे ऐसे जो करने वाले लोग हैं, तेलंगाना जो जहां पर मैटर हुआ है, तेलंगाना में जो मैटर हुआ है जिस जगह पर, उस जगह पर सभी के सभी तेलंगाना से पूरी ज्वाइनिंगों को हटा दिया गया है, आगे कोई भी ज्वाइनिंग नहीं करवाई जाएगी। ये भी बहुत बड़ा डिसीजन कंपनी के सीएमडी सर ने लिया है और दोस्तों कंपनी को पूरी तरीके से लीगल रूप में लेकर के आने वाले हैं कोर्ट की तरफ से, जिससे आने वाले समय में कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार का केस दायर ना कर सके। हमारे कंपनी के पास पूरा पावर रहेगा और मैं आपसे छाती ठोक के बोल सकता हूं दोस्तों, यदि कुछ भी करने का डिसीजन यदि सरकार ले लेती फ्यूचर मेकर का, तो ये पूरी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री MLM भारत से खत्म भी हो जाती, क्योंकि फ्यूचर मेकर से बड़ा नेटवर्क हिंदुस्तान में किसी के पास नहीं है। सोशल वर्क हमारी जो कंपनी कर रही है उससे बड़ा सोशल वर्क अमेरिका की MBA किसी भी कंपनी के पास इतना सोशल वर्क है नहीं। ये सारी चीजें कंपनी कर रही है, इतनी ताकतवर कंपनी है दोस्तों जिसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं। मैं आपको बस ये बोल सकता हूं, बिलीव करिए, आज नहीं कल एक समय वो आएगा कि हम लोग पूरे इंडिया के अंदर एक ऐसा परचम लहराएंगे कि पूरे देश में बहुत बड़ी लहर फैल जाएगी। और आज के बाद हमें लोगों को ये बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि हमारी कंपनी लीगल है या अनलीगल है। तो मेरे प्यारे लीडर्सो, चिंता मत करिएगा, घबराइएगा मत। अभी हम लोग भोपाल से शिवपुरी पहुंच रहे हैं, आज की डेट में ही, आज 10 तारीख को हम पहुंच रहे हैं बस शिवपुरी 1 से 2 घंटे में। और कंपनी लेवल तक जस्सी सर से बात हुई है, यदि ऐसा कुछ लगता भी है, आप लोगों के लिए कुछ भी करने के लिए हम लोग लीडर्स लोग तैयार हैं। ऐसा कुछ लगता भी है कि कल डिसीजन, कल के लिए यदि डिसीजन टलता है, तो आप चिंता मत करिएगा, मैं और मिस्टर अनिल सर, हम दोनों के दोनों लीडर्स आज रात में ही बाय फ्लाइट दिल्ली से इंदौर से बाय फ्लाइट पकड़ के और सुबह मॉर्निंग तक हम हैदराबाद पहुंचने वाले हैं। वहां से आपको पूरी अपडेट, पूरी जानकारी एक्यूरेट देंगे और टीम के लिए जो भी कुर्बानी करनी पड़े हम करने के लिए तैयार है। हमारी कंपनी, हमारी कंपनी के CMD और इस फ्यूचर मेकर और हमारी टीम के लीडर्स पर एक भी कोई भी तरीके की आंच नहीं आने देंगे। आपके लिए हम सदा तत्पर है, आपको कभी भी कोई दिक्कत आती है, कोई भी चीज पूछना है, कुछ भी करना है, बस लोगों की सुनते रहिए। एक दो दिन की बात है, दुनिया कुछ भी कहती रहे उस पर ध्यान मत दीजिएगा, हम आपके साथ में है, पूरा सिस्टम आपके साथ में है। बहुत जल्दी एक अच्छा निर्णय आने वाला है, कोई भी आपको दिक्कत आती है, कोई भी परेशानी आती है, कोई भी आप सवाल पूछना चाहते हैं, कोई भी जानकारी लेना चाहते हैं, मिस्टर अनिल सर, मैं इस हमारे टीम के टॉप लीडरों में से किसी को भी आप कॉल करके बातचीत कर सकते हैं। तो दोस्तों कोई चिंता की बात नहीं है, हम तैयार हैं और अभी देखते हैं, हम 1-2 घंटे में डिसीजन लेते हैं, यदि जरूरत पड़ी तो हम लोग हैदराबाद निकलते हैं। ठीक है सर,